तो शंकरन पिल्लई गोवा गए हुए थे और वो समुद्र किनारे टहल रहे थे। वहां उन्होंने देखा उन्हें रेत में कुछ झांकता हुआ दिखाई दिया। यूं ही उत्सुकतावश वो नीचे झुके, उसे बाहर निकाला और ये एक चिराग था। उन्होंने उसे पकड़ा, यूं ही उसे साफ करने के लिए अपनी शर्ट से चमका डाला और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, लीजिए वहां एक जिन्न आ गया। जिन्न आया, खड़ा हुआ और बोला, चलिए आप अपने तीन वरदान मांग लीजिए, आपने मुझे मुक्त किया है इसलिए आप तीन वरदान मांग सकते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। शंकरन पिल्लई ने सोचा, वाह तीन चीजें, क्या बात है। फिर वो बोले, मुझे लाल फरारी चाहिए। तो वहीं रेत पर ही एक चमकती हुई लाल फरारी खड़ी थी। और तब जिन्न बोला, चलिए बताइए दूसरी चीज क्या है। शंकरन पिल्लई बोले, मुझे $10 million चाहिए। फरारी की पिछली सीट पर $10 million के करारे नोट आ गए। तब जिन्न बोला, बताइए तीसरी चीज क्या है। तब शंकरन पिल्लई बोले, मैं चाहता हूं कि औरतें मेरे बिना रह ही ना पाएं। और उसने उनको चॉकलेट का एक डिब्बा बना दिया। जब कोई चीज आपके दिल के इतने करीब होती है, तब मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। देखिए मैं भी चॉकलेट का बना हूं, आपको डार्क चॉकलेट नहीं दिख रही। तो ये चॉकलेट अपने आप में नुकसानदायक नहीं है, बदकिस्मती से आप इसके साथ बहुत सारी चीनी खा रहे हैं और इसी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। चॉकलेट खाने वालों को इसीलिए इतनी दिक्कतें होती हैं क्योंकि चीनी की बहुत ज़्यादा मात्रा उनके अंदर जा रही है। अगर आप बस चॉकलेट खा पाते। It is a certain kind of stimulant, a very strange kind of stimulant. ये खास तरह का उत्तेजक है, एक बड़ा ही अनोखा उत्तेजक है। इसके अपने कुछ पॉजिटिव गुण हैं और असल में आपका दिमाग चल सकता है। सच में अगर आप कोको खाएं तो आपका दिमाग बेहतर चलता है, लेकिन इतनी चीनी के साथ नहीं, चीनी सारा खेल ही बिगाड़ देती है। अगर आप बस कोको खा रहे हैं, अगर आप कोको के बीज लें और इसे चबा कर खाएं, एक बार अगर आप ये सीख गए तो ये अच्छा लगता है। तो चॉकलेट कोको के बीज अगर आप उन्हें चबा कर खाएं तो ये बहुत बढ़िया होता है। पेपर, काली मिर्च और इन कोको के बीजों के बीच कई समानताएं हैं। भारत में कई तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम शहद और काली मिर्च का साथ में उपयोग करते हैं। तरह तरह की प्रॉब्लम्स जो लोगों को होती हैं और ये जादू की तरह असर करता है। कोको आल्सो हैज समथिंग सिमिलर विदाउट द स्टिंग इन इट। कोको भी कुछ ऐसा ही है, बस उसमें तीखापन नहीं है। 100% चॉकलेट भी आती है, लेकिन शायद आप में से ज्यादातर उसे पसंद ना करें क्योंकि वो कड़वी होगी। अगर आप इसे बिना चीनी के खा सकें तो ये बढ़िया है, या कम से कम चीनी लें तो बढ़िया है। लेकिन आमतौर पर जो चॉकलेट आप बाजार से खरीदते हैं उसमें कूट कूट कर चीनी भरी होती है।